हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीसी के सेक्शन 304A यानी कि डेथ बाय नेगलिजेंस के केस में जब कंप्लेनेंट या आई विटनेस होस्टाइल हो जाए, अपने पहले के बयानों से मुकर जाए, तो सरकारी वकील क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या सवाल पूछते हैं और क्या क्या जो है उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं। तो एक केस के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि जब होस्टाइल हो जाए कोई विटनेस तो तब जो है उसका केस पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 304A सेक्शन जो है यानी कि डेथ बाय नेगलिजेंस, वो खास तौर पर रोड एक्सीडेंट के केसेस में अप्लाई होती है जब विक्टिम की मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट के में। तो लेकिन ये सेक्शन है क्योंकि जैसे इसका जो डेफिनेशन है डेथ बाय नेगलिजेंस, तो ये रोड एक्सीडेंट के अलावा दूसरे जो मिसहैप्स होते हैं उन पर भी अप्लाई होती है। जैसे मान लो कोई जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगने से किसी की मृत्यु हो गई, लापरवाही से किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का वायर खुला छोड़ा हुआ था, या जो है मान लीजिए कि गैस का सिलेंडर फट गया, वो पूरी तरह से बंद नहीं था, सील बंद नहीं था, जहाँ किसी ना किसी की लापरवाही की वजह से मिसहैप हुआ। इसके अलावा मान लो केबल की तार में करंट आ गया और वो भी किसी ना किसी की लापरवाही से, तो ये चीज़ें हैं जो जहाँ पर मिसहैप्स इन्वॉल्व हैं और जिन मिसहैप्स में किसी भी व्यक्ति की मान लो जान चली जाए, मृत्यु हो जाए, तो तब जो है सेक्शन 304A वहाँ पर लगती है। तो अब मैं आप बात करता हूँ जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वहाँ पर ये मामला ये था कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर एक ट्रेड वेल्डिंग ट्रेड की ब्रांच होती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में अलग अलग ट्रेड्स सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो एक वेल्डिंग ट्रेड वहाँ पर थी और उसमें जो है वेल्डिंग गैस सिलेंडर वहाँ पर लगे होते हैं जहाँ पर बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक तरह का लैब होता है। तो वहाँ पर जो है कुछ सिलेंडर्स में से गैस लीक हो रही थी और उसकी कंप्लेंट वहाँ के स्टूडेंट्स ने जो उसका पॉलिटेक्निक के चेयरमैन थे उनको 2-3 दिन से वो लगातार कर रहे थे, लेकिन वो जो लीकेज है वो बंद नहीं हुई और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सिलेंडर फट गए और उनमें जो है 3 लोगों की डेथ हो गई, जिनमें 2 स्टूडेंट थे और एक जो टीचर थे वो उनकी डेथ हुई इसमें। तो उसके बाद जो विक्टिम थे जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार वालों ने जो है 304A के तहत FIR दर्ज कराई, यानी कि केस कोर्ट में आ गया, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। तो उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें प्रूव होनी थी कि प्रोसिक्यूशन वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड। इसमें चेयरमैन को मेन अक्यूज बनाया गया क्योंकि उनको बार बार जो है रिमाइंडर दिया गया कि गैस में लीकेज है, लेकिन उन्होंने कोई इस पर जो है ध्यान नहीं दिया और जिसलिए जो है उनका लैक ऑफ नेग्लिजेंस की वजह से नेग्लिजेंस का उन पर जो है चार्ज लगाया गया था। अलाइज्ड वेल्डिंग गैस सिलेंडर्स ब्लास्टेड टेकिंग 3 लाइफ, जिससे जो है वो अल्टीमेटली फट गए सिलेंडर, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। कंप्लेनेंट यहाँ पर होस्टाइल हो जाता है, जितने भी जो तीनों केस जो है फाइल किए गए थे उन सभी केसेस के कंप्लेनेंट यहाँ पर होस्टाइल हो जाते हैं और बाकी भी जितने मटेरियल विटनेस थे प्रोसिक्यूशन के वो भी होस्टाइल हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में कंप्लेनेंट अपने बयान में क्या कहते हैं कोर्ट में
कि दैट द डेथ ऑफ हिज सन, क्योंकि उनका एक का बेटा जो है उस ब्लास्ट में मारा गया था, तो उन्होंने कहा कि दैट द डेथ ऑफ हिज सन हैड अकर ड्यू टू ब्लास्ट इन गैस सिलेंडर। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से उनके बेटे की मृत्यु हुई है, एंड इन दिस रिगार्ड ही रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन ऑन टेलीफोन, और उनको टेलीफोन से ये पता चला कि उनके जो है ब्लास्ट होने से बेटे की मृत्यु हो गई है। ही फर्दर डिपोज्ड दैट देयर वॉज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड, और उन्होंने कहा कि जो अक्यूज्ड है यानी कि जो चेयरमैन थे पॉलिटेक्निक कॉलेज के, उनकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं बरती गई या किसी के द्वारा भी कोई नेग्लिजेंस नहीं बरती गई, एंड डेथ ऑफ हिज सन वाज ड्यू टू सडन इंसिडेंट, और उनके बेटे की मृत्यु एक सडन इंसिडेंट की वजह से हुई है, यानी कि वो हॉस्टाइल हो गए इस केस में। और फिर जो है उनको ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील की जो रिक्वेस्ट पे कंप्लेनेंट को ही वाज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, उनको एक हॉस्टाइल विटनेस घोषित किया गया, एंड वाज अलाउड टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड, और जो है सरकारी वकील ने उनसे जीरा करने की परमिशन मांगी, एंड ही वाज क्रॉस एग्जामिन्ड एट लेंथ, और बहुत ही लंबी क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी हुई कंप्लेनेंट की, बट नथिंग फेवरेबल टू द प्रोसिक्यूशन कुड बी एलिसिटेटेड, लेकिन कुछ भी फेवरेबल उनकी जुबान से उनके मुंह से जो है अक्यूज के खिलाफ नहीं निकला। ही वाज देन कन्फ्रंटेड विद द पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय हिम टू द पुलिस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। फिर उनको जो है उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने बयान लिखवाया था शुरू में अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, वो उनको पढ़ के सुनाया उनका बयान, बट ही स्टेटेड दैट ही हैड नेवर मेड एनी स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, लेकिन वो उससे भी मुकर जाता है कंप्लेनेंट और कहता है कि मैंने ऐसी स्टेटमेंट पुलिस को कभी दी ही नहीं है। तो इसका जो है इसके साथ साथ आई विटनेस जो केस में थे वो भी जो है मुकर जाते हैं अपने बयान से, और जो कंप्लेनेंट की लाइन होती है उसी को टो करते हैं, एंड डिपोज्ड दैट डेथ ऑफ हिज नेफ्यू, और बताया कि उनके भतीजे की मृत्यु जो है गैस सिलेंडर फटने से हो गई थी। ही स्टेटेड दैट ही हैड नॉट मेड एनी स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, और जब उनको जो है उनकी स्टेटमेंट की कॉपी दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी स्टेटमेंट पुलिस को कभी नहीं दी। तो ऐसे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होता है हॉस्टाइल विटनेसेस का क्रिमिनल केसेस में, लेकिन अगर जो हॉस्टाइल विटनेस है वो अपने बयान पर अड़ा रहता है किसी बात में नहीं फंसता तो तब जो है वो अपने पर्पज़ में कामयाब हो जाता है, यानी कि अक्यूज को जो उसने फ़ायदा पहुंचाना है वो जो है फ़ायदा मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां पर विटनेस हॉस्टाइल होते हैं कोर्ट का क्या वर्डिक्ट होता है, क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि देर इज़ नो एविडेंस ऑन द केस फाइल विच कुड सजेस्ट दैट द अक्यूज वाज अप्राइज्ड ऑफ द फैक्ट दैट गैस सिलेंडर्स वर लीकिंग, कि ये जो है इस संबंध में कोई भी एविडेंस फाइल पर नहीं है जहाँ पर ये दर्शाया जाए कि जो अक्यूज है उनको गैस सिलेंडर की लीकेज के बारे में पहले से इन्फॉर्म किया गया था, बताया गया था, और उन्होंने वो नहीं किया, एंड ड्यू टू हिज डिफॉल्ट इज़ नॉट इन नॉट टेकिंग प्रूडेंटली, और उन्होंने समय रहते उसको रेक्टिफाई नहीं करवाया, द गैस सिलेंडर ब्लास्टेड, तो जो है जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं उसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो ब्लास्ट नहीं हुए हैं, हेंस द अक्यूज्ड कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ 304A। इसलिए जो है अक्यूज्ड को 304A के केस में यानी कि डेथ बाय नेग्लिजेंस के केस में गिल्टी होल्ड नहीं किया जा सकता। एक और ऑब्जर्वेशन है इसमें जो है, इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ दैट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोरोबोरेशन और कंट्राडिक्शन
विद सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बिफोर कोर्ट। जो पुलिस 161 के बयान दर्ज करती है चार्जशीट फाइल करने से पहले, तो माननीय कोर्ट ने कहा कि ये लॉ का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि 161 के बयानों को जो प्रोसिक्यूशन है वो कोरोबोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि अपनी जो स्टेटमेंट है विटनेस की उसकी जो है पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और कॉन्ट्राडिक्शन या जो है गवाह बाद में अगर मुकर जाए तो अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं विद सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बिफोर कोर्ट। और इसके लिए जो है कोरोबोरेशन के लिए और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होना चाहिए जो कोर्ट के पास केस फाइल में लगा होना चाहिए। और लास्ट ऑब्जर्वेशन इसमें हो सकती है कि देर इज़ नो कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, और इस केस की बात जो मैं कर रहा हूँ कि देर इज़ नो कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, और कोई भी ऐसा कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है विच मे बी कंसीडर्ड एज ए रूफ ऑफ कन्विक्शन, जिसके सहारे अक्यूज को कन्विक्ट किया जाए, क्योंकि जहां पर जो है कोरोबोरेशन नहीं होती प्रोसिक्यूशन के केस की तो वहां पर अक्यूज को गिल्टी होल्ड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।